सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज आपको आगे की कहानी बताता हूँ कि किस प्रकार से ध्रुवी के जीवन में परिवर्तन आया। तो जैसा कि मैंने कहा कि ध्रुवी ने प्रेत का आवाहन किया था और प्रेत वो डोलिया खींचने लगा और वो इतनी तेजी से वो खींचता हुआ चला गया कि कुछ ही घंटों में वो अंडमान से लेकर के और भारत की भूमि तक पहुंच गए। बंगाल पहुंचने पर वो जब वहां उतरी तो गोपाल बड़ा खुश हुआ। गोपाल ने कहा, अब तुम मेरे जीवन से निकल जाओ, कारण कि मैं भोग उपभोग नहीं कर सकता अत्यधिक, मैं तुम्हें संतुष्ट नहीं रख पाऊंगा, इसलिए चली जाओ। ध्रुवी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें अपने पति के रूप में प्राप्त कर चुकी हूँ और अब मैं कभी भी नहीं बदलने वाली हूँ। हाँ, मैं तुम्हें शपथ देती हूँ, मैं अब तुम्हारा रक्त नहीं पीऊंगी, केवल तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी बन के रहूंगी और रोज उपभोग तो अवश्य करूंगी, लेकिन अब कभी भी तुम्हारा रक्त नहीं पीऊंगी, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लो। मैं तुम्हारे अतिरिक्त और किसी पुरुष के प्रति आकर्षित नहीं होऊंगी, अपनी पत्नी मुझे स्वीकार कर लो। उसके गिड़गिड़ाने और याचना करने पर गोपाल का मन पिघल गया। गोपाल ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अगर ये बदलती है तो सब सही ही हो जाएगा। फिर उसने कहा कि सबसे पहले तुम वस्त्र पहनना सीखो, इसलिए वस्त्र पहनने की चेष्टा करो। वो उसके लिए वस्त्र ले आया और फिर उसे पहनना सिखाया, उसे साड़ी बांधना वो तब जान पाई। अब वो साड़ी पहनकर उसके साथ रहने लगी। उसने कहा कि तुम जीवन में हर प्रकार के कर्म करो, लेकिन आज से मैं तुम्हारी गृहिणी यानी पत्नी के रूप में तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम ये बात किसी को मत बताना। इस प्रकार से वो उसने उस बंगाल में फिर से उसी तरह की वो अभिमंत्रित औषधि बना दी, जिसका वो रोज अपने पति यानी गोपाल को पिलाती और स्वयं भी पीती और रात को वो पूरी रात भोग करते। लेकिन अब उसने शक्तियां गोपाल को भी देनी शुरू कर दी, इसलिए रात भर भोग करने के पश्चात भी बिल्कुल भी थकावट गोपाल को नहीं लगती थी। इस प्रकार दिन बीतते चले जा रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इधर उस द्वीप पर जो महापुजारिणी थी, उसे जब पता लगा कि वो बच के निकल गई है, उसे बड़ा क्रोध आया। उसने कहा, कुछ भी करके उसको विवाह तो वापस लाओ या उसे मृत्युदंड दे दो। मृत्युदंड देना ही उपयुक्त है, क्योंकि वो अब वापस तो आएगी नहीं। इसलिए उन्होंने एक गोपनीय तंत्र प्रयोग करने की सोची। इसके लिए 6-7 कन्याएं वहां से भेजी गई। महापिशाचिनी देवी की उस पुजारिणी ने उनको ऐसा समझाया कि किसी प्रकार से भी अगर ध्रुवी का सत्त्व भंग कर दो तो निश्चित रूप से उसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा और गोपाल का रक्त दूषित हो जाने की वजह से ध्रुवी के साथ जब वो संबंध बनाएगा तो ध्रुवी धीरे धीरे करके मृत्यु का ग्रास बन जाएगी। इस गोपनीय तंत्र को के साथ उसने अपनी 6-7 कन्याएं या स्त्रियां वहां भेजी। दिव्य शक्तियों की वजह से कन्याएं उड़ती हुई वहां तक पहुंच गईं। पहुंचने के बाद में उन्होंने सुंदर स्त्रियों का भेष बनाया और इनके दरवाजे पे आकर भिक्षा मांगने लगी। ध्रुवी ने बाहर निकलकर उनको भोजन कराया और फिर देव कन्याओं ने कहा कि हे कन्या, हे स्त्री, तुम अपने पति के साथ यहाँ सुखपूर्वक रहती हो, लेकिन तुम्हारे पति को तुमने बहुत सी चीज़ें जो हैं नहीं दी रखी हैं, जैसे घर बार में जो सामान होता है वो सब चीज़ें भी तुम्हें उपलब्ध करानी चाहिए। ऐसा करो कि अपने पति को
कहीं भेज दो और उसे वो चीजें मंगवा लो ताकि तुम जीवन सही ढंग से जी पाओ। ध्रुवी ने क्योंकि दुनिया नहीं देखी थी उसने उनकी बात मान ली और अपने पति को भेज दिया। थोड़ी ही दूर उसका पति गया था तब तक ध्रुवी पीछे से दौड़ती हुई आई और कहने लगी, अरे सुनिए आपके साथ मुझे भी चलना है, मैं भी तो देखूं कि दुनिया आखिर कैसी है। इस बात पे गोपाल ने कहा, ठीक है लेकिन तुमने घर क्यों खुला छोड़ दिया है? उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप जहां हैं वही मेरा घर है। ऐसा कहकर थोड़ी दूर वो चलने लगे। रात्रि में एक जगह पर वर्षा होने लगी तो दोनों भागते हुए एक झोपड़ी थी वहां पर अंदर चले गए। वहीं पर उन्होंने लकड़ियां जलाकर आग तापनी शुरू कर दी। ध्रुवी ने एक बार फिर से वही प्याला उसे पिलाया और स्वयं पिया और वो दोनों भोग करने लगे। सुबह हो गई तो फिर देख उसने गोपाल ने उठकर देखा ध्रुवी नहीं है। वो कुछ समझ नहीं पाया और सामान लेने के लिए आगे बढ़ चला। उसने सोचा शायद ध्रुवी वापस तो नहीं चली गई, लेकिन वो छला गया था। वास्तव में उस रात उन 6-7 पिशाचियों ने उसके साथ संबंध बनाए थे और ध्रुवी का रूप लेकर के वो जिस बात को वो समझ नहीं पाया था। अब सतीत्व भंग होने की वजह से उसका रक्त दूषित हो चुका था। वो सामान लेके घर वापस आया तो ध्रुवी रात्रि के में बड़ी खुश हुई और पूछने लगी, कहाँ गए थे? गोपाल को समझ में नहीं आया, लेकिन गोपाल ने कहा, तुम तो वास्त रास्ते से ही वापस आ गई थी। ध्रुवी को भी बात समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा, चलिए छोड़िए इन सब बातों को और आइए प्रेम पूर्वक खाना खाइए। ध्रुवी ने भोजन बनाया, उसके बाद उन्होंने खाना खाया और फिर शाम रात होने पर उसने फिर से रमण का प्रस्ताव रखा और उन्होंने फिर वही प्याले में वो औषधि पी और उसे आधी पिलाई और दोनों फिर रमण करने लगे। रात कैसे से बीती गई, अब आज उसे अत्यधिक कष्ट हो रहा था रमण के दौरान। ध्रुवी इस बात को समझ नहीं पा रही थी आखिर वो क्या रहा है। वो कहती तो कि आज मुझे सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, भयंकर पीड़ा महसूस हो रही है, लेकिन वो बात समझ नहीं पाई। इस प्रकार सुबह हो गई तो देखा कि उसकी कमर के चारों तरफ का भाग जो है नीला पड़ गया। इस बात को समझने के लिए वो उसने अपनी तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग किया और पता लगाया तो उसे पता लगा कि महापुजारिणी ने उसके साथ धोखा किया है और उसकी ही सहेलियां उसके पति के साथ रमण कर चुकी हैं। इस वजह से उसका सतीत्व भंग हो गया है और उसकी शक्तियां अब जाने वाली हैं। धीरे धीरे करके उसका शरीर सड़ता चला जाएगा और वो एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। अब उस बात से बहुत दुखी होने लगी। उसने वह बात गोपाल को बता दी। गोपाल से उसने कहा कि शायद अब मुझे मृत्यु की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन तुम दूसरा विवाह ना करना, मैं तुम्हें एक गोपनीय मार्ग बताऊंगी और निश्चित रूप से मैं तुम्हारे कान में वो चुपचाप ये बात बताऊंगी। याद रखना, मैं जब भी बताऊं उसे सुन लेना। और कहने लगी कि मैं अब यहां से जा रही हूं क्योंकि अगर तुमने अब मुझे छुआ या प्राप्त किया तो मैं मारी तो जाऊंगी ही, साथ में तुम भी मारे जाओगे। बात समझ न आने पर गोपाल ने भी कहा कि चलो इस बात से कम इससे संबंध तो छूटेगा मेरा। वो बात को समझ नहीं पाया और इस प्रकार से वो वहां से चली गई। रोते रोते काफी दूर जाने के बाद एक प्राचीन मंदिर नजर आया। वहां पर पहुंचकर एक बाहर साधु आघड़ से उसकी मुलाकात हुई। ध्रुवी ने उसको सारी बात बताई। ध्रुवी की बात सुनकर आघड़ ने उसे कहा कि अगर तुम कामकला काली देवी की आराधना करो, मृत्यु से पहले अगर तुम उन्हें प्रसन्न कर ले गई तो निश्चित रूप से वो ऐसी शक्ति तुम्हें प्रदान कर देंगी कि जिससे तुम फिर से जो है अपने पति को प्राप्त कर पाओगी। आप काम कला काली की साधना करने के लिए वो उस मंदिर में बैठ गई और लगातार तप करती रही। तप करते करते बहुत से दिन बीतते चले गए। अंततोगत्वा जब उसे समझ आया कि आखिरी दिन आज उसकी मृत्यु हो जाएगी क्योंकि पूरा शरीर उसका सड़ चुका था, तो उसने सिर पटकना चालू कर दिया। रात्रि के 12 बजे के मध्य में अत्यंत रूपवान शरीर के साथ माता काली का काम कला स्वरूप प्रकट हुआ। काम कला स्वरूप में प्रकट होकर देवी ने उन्हें दर्शन दिए
और इच्छा पूछी। उसने इच्छा बता दी। उसने कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति है। देवी ने कहा कि तुम सब मन से पवित्र शक्तियां हो, लेकिन क्योंकि मैं सबको ग्रहण करती हूँ, काली स्वरूप हूँ, इसलिए तुमको भी ग्रहण करती हूँ। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें अमर बना रही हूँ, किंतु किसी भी प्रकार से अपने साधकों का जीवन नाश मत करना। और मैं तुम्हें नई अमरता का वरदान और शक्ति सिद्धियां देती हूँ। आज से कुछ दिनों बाद पर्वत से एक कन्या 16-17 साल की आत्महत्या करेगी। उस आत्महत्या करने की वजह से उसका शरीर नदी से बहता हुआ तेरे पति के शरीर के पास पहुंचेगा। जा उसके कान में उस गोपनीय विधि को बता, जिसको करने के बाद तू फिर से जीवित हो सकेगी। और इसी विधि से तू बार बार और तेरी लोक की सारी कन्याएं इसी विधि से आती रहेंगी और जीवित होती रहेंगी, क्योंकि तूने अद्भुत रूप से मेरी तपस्या की है। बिना खाए पिए तूने इतने दिन तक मेरी आराधना की है, इसलिए मैं काम शक्ति के रूप में तुझे प्रतिस्थापित करती हूँ। और क्योंकि तेरी शक्तियाँ नकारात्मक हैं, इसलिए तेरे साधक को तू भ्रष्ट भी करेगी, लेकिन तू उसको जीवन भी प्रदान करेगी। यह तेरे और तेरे साधक की सोच पर निर्भर करेगा कि तुम अच्छे मार्ग की तरफ जाते हो या बुरे मार्ग की तरफ जाते हो। तो जैसा तू और तेरा साधक और तेरी शक्तियां होंगी और तेरी लोक की जितनी भी कन्याएं होंगी, सबको मैं इस प्रकार का अमरता का वरदान देती हूं। अब तू जा और तेरी मृत्यु अभी तुच्छ क्षण में हो जाएगी, लेकिन तू फिर से नव जीवन आत्म रूप में प्राप्त करेगी। आत्म रूप में तू सदैव जीवित रहेगी। ऐसा कहकर के देवी अंतर्ध्यान हो गई। कुछ क्षण बाद ध्रुवी के भी प्राण पखेड़ू उड़ गए, ध्रुवी भी समाप्त हो गई। देवी ने जैसा कहा था वैसे ही बात कहने के लिए मृत्यु के बाद तुरंत वह उड़ती हुई आई और आत्मा रूप में कान में आकर के उसके अपने पति यानी गोपाल के कान में आकर कहने लगी कि कल जब दोपहर में तुम नदी पर स्नान करने जाओगे तो एक युवती कन्या की लाश को उठा लाना, उसे अच्छी प्रकार से धुलना और दिव्य गंध लेप जो है उसके शरीर पर लगाना, और उस पर बैठ करके मैं तुम्हें यह मंत्र बता रही हूँ, इसका जाप करना तो तुम्हारी आगे की इच्छा पूर्ण होगी और मैं तुम्हें वापस मिल जाऊंगी, और उसके बाद फिर तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर के उसे कान में कह गई। अब इसके आगे क्या हुआ, आगे की कहानी जानेंगे अगले पार्ट में। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसी तंत्र और की वजह से बाद में कर्ण पिशाचिनी देवी की भी उत्पत्ति हुई, क्योंकि यह भी इससे भाग जो कटा, और ये वज्रयान संप्रदाय के और अन्य तांत्रिकों ने उसमें इस श्रेणी को जोड़ा, क्योंकि काम पिशाचिनी की शक्ति की वजह से कर्ण पिशाचिनी नाम से इसकी भी शक्ति जो है तांत्रिक के द्वारा उत्पन्न होने लगी। तो वो कहानी जो है बाद में आएगी, लेकिन पहले मैं ये बता दिया आपको कि किस प्रकार से काम पिशाचिनी जो है अमर हो गई इस शक्ति की वजह से, काम कला काली देवी की आराधना करने की वजह से, और कैसे अब आगे के पार्ट में वो वापस आती है और उसको जो है गोपाल प्राप्त करता है, ये सब अगले भाग है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।